आपके साथ पूजा शुक्ला, ये बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। ट्रैफिक नियम तोड़ना एक फैशन बन गया है। ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वालों को फुल कलाकार द्वारा स्किट देकर टीवी पर विज्ञापन देकर कितना भी जागरूकता फैला ले, इन नियमों को तोड़ने वालों का व्यवहार बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। थाने वाहतुक विभाग ने आज एक बहुत ही अभिनव पहल की थी, जिसे देखते हुए तेज गति, बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों पर कितनी ही बार दंडात्मक कार्रवाई की जाए यह काम नहीं करता है। आज थाने शहर के तीन हाथ नाका में की गई पहल के हिस्से के रूप में सूचना तथा आज्ञाकारिता बोर्डों के साथ केवल कानून तोड़ने वालों को खड़ा किया गया था। 15 मिनट तक नियम तोड़ने वालों के हाथ में संदेश बोर्ड लिए खड़े नजर आए, तो जिनके पास इतना समय नहीं था उन पर ई चलान के जरिए जुर्माना लगाया जा रहा था। वाहतुक पुलिस उपायुक्त बाला साहेब पाटिल ने कहा कि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए यह कदम उठाया गया है। उपायुक्त ने कहा कि एक नया हेलमेट उतनी ही राशि के साथ आ सकता है जितना जुर्माना देना पड़ता है, इसलिए नियमों का पालन करें और अपने साथ सभी का जीवन सुरक्षित रखें। आइए जानते हैं इस विषय में क्या कहना है वाहतुक विभाग के पुलिस उपायुक्त बाला साहेब पाटिल का। सिग्नल जंपिंग विदाउट हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट गाड़ी चलाना ये बहुत ही डेंजरस है। इससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट में मृत्यु के प्रमाण इससे सबसे ज़्यादा है। इसके लिए अवेयरनेस करने के लिए सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पूरे आयुक्त के क्षेत्र में हमने ये अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है। उसमें जो भी लोग इस तीनों चीज़ों में वायलेशन करेंगे उनको ये अवेयरनेस कैंपेन में सहभागी करके उनकी तरफ से हम लोग दूसरों को बताएंगे कि हमने जो गलती किया वो आप ना करें। और इस तरह से दिन भर ये प्रोग्राम शुरू रहेगा। हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को पता चले कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे काम कर रही है और मोटर व्हीकल एक्ट की किसी भी करतूत का या किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। तो ये सब अवेयरनेस का मुझे आशा है, मुझे यकीन है कि निश्चित तौर पे लोगों के एटीट्यूड में चेंज हो जाएगा। सर, बहुत बार ऐसा देखा जा चुका है कि जो कर्मचारी है उनसे मतभेद होते हैं, तो जानकारी देनी चाहिए। आज अवेयरनेस प्रोग्राम में जब वो 15 मिनट हमारे साथ बिताएंगे तब उनको पता चलेगा कि हर जगह पे कितनी समस्या है, कितने समस्या के साथ वो काम कर रहे हैं। तो मुझे निश्चित तौर पे आशा है कि उनका एटीट्यूड में चेंज हो जाएगा और जो भी हमारे कर्मचारी के साथ उनकी जो भी बातचीत होती है उसमें बदलाव आ जाएगा। आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पूरे आयुक्त कलेज के क्षेत्र में हमने जन जागृति शुरू किया है। इसमें सिग्नल जंपिंग, सीट बेल्ट और विदाउट हेलमेट वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अभी शुरू किया है। उसमें जन जागृति में जो मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन करेंगे उन्हीं को उनके हमारे साथ मिला के उन्हीं की तरफ से ये जन जागृति कराएंगे। 15 मिनट उनका ले लेंगे और 15 मिनट में वो दूसरों को बताएंगे कि जो हमने गलती किया वो आप गलती मत करिए। और इस तरह से अगर 15 मिनट वो नहीं देना चाहते उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई किया जाएगा। ये कार्रवाई सभी आयुक्त के सभी क्षेत्रों में शुरू है और आज दिन भर वो शुरू रहेगी। कल से यही 3 क्षेत्रों में जिसमें एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं और एक्सीडेंट में मृत्यु ज़्यादा होते हैं, ये तीनों सिग्नल जंपिंग, सीट बेल्ट और ये जो हेलमेट है, ये तीनों के बारे में कल से ज़्यादा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, कई बार ऐसा देखा जा चुका है कि वाहतुक कर्मचारियों के साथ मतभेद होते हैं, उस संदर्भ में कोई कार्रवाई आज होने वाली है? अगर आम नागरिक 15 मिनट वाहतुक कर्मचारी के साथ बिताता है तो उसको पता चलेगा कि हमारी समस्या क्या है, कितना तकलीफ होती है यहाँ पे। तो ये अवेयरनेस इसी के लिए है कि लोगों को पता चले कि हमारा काम किस तरह से चल रहा है और यहाँ पे तकलीफ क्या है और उनका एटीट्यूड बदल जाएगा। थैंक यू। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HMBS।